सभी फौजियों को जय हिंद नमस्कार। मैं हूं सरुणा राठौड़ और आज हम करने वाले हैं आर्मी का ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जो है अब पास आने वाली है और आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है और आर्मी में किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 5-10% जो है आर्मी का जो क्वेश्चन का पेपर आपका उसका लेवल बढ़ भी जाए, बट ऑलमोस्ट जो है यही रहने वाला है, 5-10% हो सकता है बढ़ जाए, तो वो कोई खास बात नहीं है। उसकी तैयारी आप लोग इतने टाइम हो गए करते ही आ रहे हैं, हार्ड लेवल की तैयारी, तो ये आर्मी का ओरिजिनल पेपर करते हैं। सभी को पता ही है 15 GK के क्वेश्चन आएंगे, 15 GS के, 15 मैथ्स के, 5 रीजनिंग के। अब लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पटना किस नदी के किनारे है। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे पटना पूछ लिया, अब आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है कि हुगली नदी जो है वो कौन से शहर के किनारे है, तो आपको बताना है कोलकाता, या आपको पूछा जाए कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको जवाब देना है हुगली। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नासिक पूछा जाता है, नासिक कौन सी नदी के किनारे है, तो वो गोदावरी नदी के किनारे है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो पटना किस नदी के किनारे है, जल्दी से जवाब देंगे। देखो मैंने यहाँ पे जो आंसर है वो हाइड कर दिए हैं ताकि आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा चला पाएं और इसका सही जवाब दे पाएं। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शंस है गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी और गंडक नदी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे है पटना, ठीक है यू। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, वंदे मातरम की रचना किसने की, वेदव्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और वाल्मीकि। जवाब देंगे जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने हैं सभी। हाँ तो बी आंसर आपको दिख रहा होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जवाब देना है। राष्ट्रीय गीत अगर पूछा जाए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय गीत, और अगर आपसे राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, महाभारत वेद व्यास, ठीक है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। ये सभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, आपको ध्यान होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हैदराबाद। जल्दी जवाब दें, तो ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, और पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं या राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को ईमानदारी से जवाब देना है, सभी फौजी एक दूसरे का देखेंगे नहीं, ईमानदारी से जवाब देंगे। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या नई दिल्ली। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा राइट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यूपी जो आपका राज्य है, वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, एशिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं। लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, साइमन कमीशन से संबंधित है। पूरा क्या डिटेल रही थी ये एक बार हम पूरी टॉपिक वाइज क्लास करेंगे तब उसके टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है या नहीं है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, कांडला बंदरगाह मध्य प्रदेश में है या नहीं है, अमृतसर राजस्थान में है या नहीं है। कौन सा सही है वो आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सही कौन सा है, एक सही है बाकी सारे गलत हैं। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, पहला ही ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें राउरकेला जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, केवला देवी, केवला देवी है, ठीक है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश में तो नहीं है लेकिन कहाँ पे है ये आपको बताना है। कांडला बंदरगाह मध्य प्रदेश में नहीं है लेकिन कहाँ पे है ये आपको बताना है। अमृतसर राजस्थान में नहीं है, कहाँ पे है ये आपको बताना है। ये तो इजी सा आपको पता होगा, अमृतसर का तो स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में, पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस के भी जवाब दो, बाकी क्वेश्चंस के भी जवाब दो कमेंट बॉक्स में, ईमानदारी से जवाब दो, दोनों क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं, जवाब देंगे तो जहांगीर जो है वो शासक था ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय। वैसे कुछ अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं वो अकबर के समय भी आ गए थे, लेकिन मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम वगैरह जो स्टार्ट हुआ था वो जहांगीर के काल में स्टार्ट हुआ था। जब कंपनी की लीडरशिप आई थी भारत में तब वहाँ पे जहांगीर था, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब आए थे अंग्रेज़ अधिकारी तब जो शासक है वो अकबर था, ठीक है। बट यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है ना पूरी तरह से कंपनी की, तो हम यहाँ पे जहांगीर आंसर जो है राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट माना गया था आर्मी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी लंदन, जकार्ता, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जापान की राजधानी पूछिए आपसे, थाईलैंड की या कोई और जो क्या नाम, बांग्लादेश, कोई श्रीलंका हुआ, कुछ भूटान हुआ, इन सब की राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपके सामने राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था। ये आर्मी के 3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 3 एग्ज़ाम में, सोच लीजिए। तो ये यहाँ पे जैसे दक्षिण अफ्रीका का पूछा गया है, आपसे अमेरिका का भी पूछ सकते हैं कि अमेरिका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, तो आपको जवाब देना है बराक ओबामा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, तो ये आपको जवाब देना है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि पीछे के 3 एग्ज़ाम में आ चुका है, आर्मी में सॉरी 2 एग्ज़ाम में आ चुका, तीसरा इसमें पूछा था। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार की राजधानी जल्दी से बताएंगे, तो ये पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब स्टूडेंट्स बुक के बारे में पूछते हैं, मैं बुक के बारे में एक बार आपको बता देती हूँ कि ये जो ग्रीन कलर की बुक आपको दिखाई दे रही है ये फुल सिलेबस बुक के नाम से जानी जाती है, तरुणा पब्लिकेशंस की ये सारी बुक्स हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, आपका जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन का सेम ही सिलेबस होता है, आर्मी ने पूरा सेम सिलेबस कर रखा है, आपको ध्यान है। तो इसमें आपके 2500 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे मिलेंगे, सारे टॉपिक्स की थ्योरी मिलेगी, नोट्स मिलेगा आपको, और इसके अंदर आपको कुछ ओरिजिनल पेपर भी मिलेंगे ताकि आपको एग्जाम पैटर्न का पता लग जाए, और कलर विजन चार्ट भी दिए ग्रीन वाली बुक में। और ये जो बुक है, ये बुक इन दोनों बुक्स के साथ में आती है, चाहे आप ग्रीन वाली बुक ऑर्डर करो, चाहे येलो बुक ऑर्डर करो, या दोनों बुक ऑर्डर करो, तो आपको ये वाली बुक साथ में फ्री में दी जाती है, इसमें ओरिजिनल पेपर्स हैं। इसके बाद में ये येलो कलर की जो बुक दिख रही है ये प्रैक्टिस पेपर की बुक है, इसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग का कितना भी कठिन से कठिन या इजी से इजी क्वेश्चन हो सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप ये तीनों बुक्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास ऑटोमेटिक एक लिंक आ जाएगा, उसमें नीचे नीचे लिखा हुआ है घर मंगवाने के लिए, इस लिंक पे क्लिक करें, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये बुक घर मंगवा लेनी है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से आ जाएगी। इसके अलावा जो है आप इनकी ई बुक यानी PDF ले सकते हैं जो कि आपकी Gmail ID पे आएगी। ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ने के लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, तो वो PDF आपके पास आ जाएगी। PDF की प्राइस मैं बता देती हूँ, ये ग्रीन बुक की रहेगी 30, येलो बुक की रहेगी 20, और ये जो ओरिजिनल पेपर वाली बुक है इसकी रहेगी 10 रुपीज़। ये भी प्राइस कम से कम आपको उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जो टेक्निकल टीम का वर्क चलता रहे, काम चलता रहे उनका, और उनके बाल बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। तो कम से कम रुपए में जो है आपको उपलब्ध कराइए ताकि आपको ज़्यादा महंगी ना पड़े। और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से आप मंगवा सकते हैं, और वो आपकी जो डिलीवरी वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 19 रुपये में साइंस की ई बुक इंग्लिश मीडियम में रेडी की गई है, इसमें थ्योरी भी है, पूरे नोट्स हैं, और 320 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 351 यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ क्योंकि
मुझे आगे जो है आपका कोर्स करवाना है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रही हूँ एक बार। चलो अब देखिए, क्वेश्चन आपका अंडमान निकोबार वाला हो गया है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी आप सभी को पता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखो ये नहीं पूछा कि भारत में कौन सी है, सिर्फ ये पूछा है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो जल्दी से जवाब देंगे। तो माउंट एवरेस्ट है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब या महाभारत? तो आपको पता ही है गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है यकृत, पियोस, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं? तो गलनांक की बात करें, मतलब बर्फ जो है किस तापमान पे गलना शुरू हो जाती है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इसमें राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना भी शुरू कर देती है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना भी शुरू कर देगी, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में जनन होता है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं? बैक्टीरिया में तो द्विखंडन द्वारा होता है प्रॉपर, तो ये बायोलॉजी वाली मैम आपको बता पाएंगे बायोलॉजी की क्लास में, अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनता है दवाई, आयोडीन या एंटीबॉडी? ये एंटीबॉडीज है, इसको आप एंटीबॉडीज करें, ठीक है, एंटीबॉडीज कर लीजिए, जल्दी से जवाब दें। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंटीबॉडीज। अभी तो जैसे कोरोना वायरस वगैरह भी चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज जो है वो एक दूसरे में ट्रांसप्लांट भी करवाई जा रही हैं, जिसमें ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका आपके सामने, ध्वनि किस में गमन नहीं करती? इस्पात में, लोहा में, इनमें से कोई नहीं, या निर्वात में? निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, निर्वात का क्या मतलब है? वैक्यूम। आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग, यानी मैकेनिकल वेव्स है, और मैकेनिकल वेव्स जो होती है वो चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है उनको, यानी चलने के लिए किसी मीडियम की उनको आवश्यकता होती है। अब निर्वात यानी कि वैक्यूम, यानी कोई मीडियम नहीं है, तो जो मैकेनिकल वेव्स है, यांत्रिक तरंगे हैं, वो नहीं चल पाएंगी, ठीक है। तो ध्वनि भी क्या होगा? नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, परमाणु संख्या क्या है? आपको मैंने बताया हुआ है कि ये क्या है, एक मान लो परमाणु है, ये क्या है, एक परमाणु है। परमाणु के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? नाभिक में एक पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है, संयोजी कक्षाएं जो होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु संख्या नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर की जो हम वैलेंसी है वो चेक करेंगे, और हमें याद करना है कि परमाणु संख्या क्या कहलाती है। तो ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं, अब जल्दी से जवाब दे देंगे। परमाणु का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है, परमाणु संख्या क्या कहलाती है। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या, देखो इसके अंदर जो प्रोटोन की संख्या है, दिख रही है आपको, इसके अंदर जो प्रोटोन की संख्या है, जैसे किसी में एक हो, किसी में दो हो, किसी में तीन हो, तो जो प्रोटोन की संख्या रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी, ठीक है, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है, विद्युत मोटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर, वो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करती है? तो वो विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एसिड है? एसिड कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, ये तो नमक हो गया, आपको बताइए। H2SO4 ये है, सल्फ्यूरिक एसिड, पता ही आपको H2SO4, जिसको हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आर्मी का जो ओरिजिनल पेपर है, आप सभी को अपना जवाब देते जाना है अच्छे से, ईमानदारी के साथ टेस्ट लगाना है। विद्युत का सुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, पारा या तांबा? विद्युत का सुचालक कौन है? पता है आपको, तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का पूरा नाम बताओ।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित गोबर गैस है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये इंग्लिश में होता है, और हिंदी में जिसको हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ईमानदारी से जवाब देंगे सभी फौजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आग बुझाने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। आग बुझाने वाली गैस, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने रेड कलर का देखा होगा पैकेट, पैकेज जो रहता है पूरा टंकी रहती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई होती है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। आपको बताइए तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये रॉकेट वाला उदाहरण आप याद रख सकते हो कि रॉकेट जो है जितना ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, जितना वो नीचे की तरफ अपनी जो ऊपर जाने की विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी उतना ही वो ऊपर जाएगी। तो ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज हुई थी या ऑक्सीजन की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने या जे प्रिस्टे ने। तो जे प्रिस्टे ने किए, ये क्वेश्चन भी आर्मी में दो बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र, ध्यान देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछा है, बल्ब, रेडियो, टीवी या कंप्यूटर नहीं है, वो भी देख लेना नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें से बल्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र नहीं है, बाकी सभी में जो है ट्रांजिस्टर वगैरह यूज होते हैं, तो बाकी सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन या अर्ग। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मात्रक डेसिबल है, क्या मात्रक है, डेसिबल। और ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक अगर पूछा जाए, आवृत्ति पूछी जाए किसमें मापी जाती है, क्वेश्चन बनता है ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है, ध्वनि की यानी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी किसमें मेजर की जाती है ये पूछा जाए आपको, तो आपको हर्ट्ज जवाब देना है। क्या जवाब देंगे, हर्ट्ज जवाब देंगे। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि की इंटेंसिटी क्या है, ये किस में मेजर की जाती है, तो आपको जवाब देना है डेसिबल। तो यहाँ पे डेसिबल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है, यानी 30 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। सभी फौजी एक बार कॉमेंट करके बताएंगे, साथियों बताओ कि एक बार कितने 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हो, जीके में 15 में से कितने सही हुए और साइंस में 15 में से कितने सही हुए, एक बार बताइए, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मारुति कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन आर्मी में बार बार पूछा जा रहा है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका, चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में दिए हैं तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है, और किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपको दिया हो वो लिखना है। अब आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है ना, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, तो मैंने दो बार गुणा लिख दिया, 5/18 से क्या कर दो गुणा, और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देना। अब कुछ नहीं करना, बस इसको काट लो, 18 और 90 वापस में काटो, आराम से काटो इसको, 3 से काट लो, 3 × 6 = 18, ये कितना हो जाएगा 30। अब इसको 6 से काट लो, 6 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, और 5 और 5 से गुणा करेंगे तो 25। इतना ईजीली आंसर आ गया, एक एक स्टेप में करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमें सभी साथियों को लेके चलना है, जो साथी गणित में कमजोर है उनको पीछे नहीं छोड़ना है, उनको भी हमारे साथ लेके आना है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आर्मी ने राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक छूट की श्रेणी 10%, 20%, 40% की एकल समतुल्य छूट के बराबर होगी। एकल समतुल्य छूट आपको ज्ञात करनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ आपको डायरेक्ट एक चीज़ करनी है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आप मान लेना कोई चीज़ कितने पे है, 100 पे, कितने पे है, 100 पे, मान लिया। अब क्या करो इसको, अब जैसे जैसे इसमें छूट दी है वैसे वैसे लिखो। सबसे पहले क्या, 10% की छूट थी तो 100 में से 10 माइनस किया 90 बटे 100% है, तो बटने में 100 लगाते जाएंगे। फिर 20% की छूट दी थी तो 100 में से 20 गया 80 बटे 100, ठीक है। फिर उसके बाद में कितनी छूट दी, एक बार देख लेते हैं, 40% की, 40% की छूट दी है तो 100 में से 40 गए 60 बटे 100, ठीक है, इस तरह से करना है। अब कुछ नहीं करना है, इनको कट कर लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, और इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, ठीक है। अब इनको आपस में काट लीजिए,
दो से डिवाइड कर लो, दो चुके 8, दो पाँचे 10, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 चुके 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216, 216 बटे 5, 216 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये देख लेना एक बार, 43.2 आ रहा है शायद, 43.2। अब आपके पास टोटल चीज़ें कितनी थी, 100, अब कितनी आई है, 43.2, तो 100 में से 43.2 माइनस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 56.8%, कितना आ जाएगा, 56.8%। ऐसे करना है, 100 पे मान लेना है सब चीज़ें, और लास्ट में 100 जितना भी परसेंटेज आए वो आपको 100 में से माइनस कर देना, 56.8 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त कैसा होता है जल्दी से बताएंगे, तो ये होता है आपका वृत्त, ये क्या है आपका वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, त्रिज्या, क्या दे रखी है, त्रिज्या मान ली, चलो कितना सुंदर वृत्त बनाया देखो मैंने। अब आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, 616। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मान रखो पाई का 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है, कर दिया। अब क्या करोगे, ये आपको आर का मान ज्ञात करना है, आर का मान तो इधर रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, 7 इधर भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा, 22 इधर भाग में चला जाएगा। अब इसको काट लो, 11 से कट जाएगा इजीली, 11 दूनी 22 और 11 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, कितना आ जाएगा, 56। अब इसको 2 से और काट लो, 2 को इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 आ गया, ठीक है, 28 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर थी तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पहले से क्या है, 28 है और 7 है, ठीक है। अब क्या करो, 28 के टुकड़े कर लो, 28 को हम लिख सकते हैं 4 7 28 लिखा जा सकता है, और 7 हमारा एक पहले से पड़ा है, देखो 7 के जोड़े बन गए, यानी 7 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14। आर का मान कितना आ जाएगा, 14। देखो रूट से बाहर ले जाना आता है ना, 4 का रूट कितना होता है, 2, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं 7 के, तो ये कितना आ जाएगा, 7, और 2 7 14, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे 14 आपका राइट आंसर आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार आंसर चेक करेंगे तो ए आंसर आर्मी ने राइट माना है, हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है तो वह संख्या क्या है, कोई संख्या है मान लो कितनी है, एक बार मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर रही हूँ, मान लो वो संख्या क्या है, x, कितनी परसेंट बढ़ी है, 20% बढ़ी है, संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है और 20 बढ़ गई, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120% है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और कितनी हो जाती है, ये कह रहा है कि 300 हो जाती है, बोल रहा है 300 हो जाती है, तो बराबर क्या लिख दो, 300, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना हम आसानी से कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो और इसको काट लो, काटना चाहो तो, और नहीं काटना चाहो तो इसको दूसरी साइड ले जाओ, डायरेक्ट दूसरी साइड ले जाओ, अभी काटना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ 300 पड़ा था, ये 10 यहाँ भाग में इधर गुणा में होगा तो एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 गुणा में था, भाग में आ गया। अब इसको काट लो, जल्दी से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा बताएंगे, तो 3 से काट लो इजीली, 3 या 2 से काट लो, जैसे आपका मन करे 2 से काट लो, 2 छिके 12, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँच 10 और 1500 आ गया, 2 से काटा, इसको काटा वापस, तो 3 से काट लो इस बार, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 3 से, तो 3 पाँच 15, 2 0 500 आ गया, 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 500 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, कितना आ जाएगा, 250। एकदम इजी से इजी तरीका मैंने बताया है काटने का, एक एक स्टेप आपको बताया है, इससे इजी और क्या हो सकता है, तो 250 रुपये जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 250 रुपये के 250 वो संख्या है 250, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एक बार चेक करने दो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्याओं के योग का 70% 49 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, कोई संख्याएं हैं, दो संख्या मान लो, एक संख्या मान लो x, दूसरी मान लो y, ठीक है, x और y के योग का 70%, तो 70% निकाल लो, 70% का मतलब बटे में 100 कितना है, बोल रहा है 49 है, बोला है देखो इसने, मैंने खुद ने नहीं लिखा, 49 है, ठीक है। तो अब आपको उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो से एक जीरो काट दो पहले, तो अब ये 10 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में होगा तो कितना हो जाएगा, 490,
सात इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान आएगा हमारे पास, ये सात को इससे काट लेंगे तो सातों सातों 49 यानी 7 और एक 0 70 होनी चाहिए, ठीक है। योग उनका कितना होना चाहिए 70, सी ऑप्शन में मिल रहा है तो सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखेंगे एक बार आर्मी ने सही माना है क्या हमारा, तो आर्मी ने बिल्कुल सही माना है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सभी फौजी ईमानदारी से टेस्ट लगाएंगे, 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन आर्मी में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों के अंदर करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उल्टा कर दिया करो, 15 आदमी 20 दिन में एक काम करते हैं तो 20 आदमी 15 दिन में एक काम करेंगे, तो डायरेक्ट देखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और करना कैसे है, करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 15 आदमी है, देखो 15 आदमी है, एक काम है, एक काम को कितने दिन में किए, 20 दिन में, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं, मतलब पूरा बेसिक बता रही हूँ। एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी को पता है आपको ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 20 गुणा 15 दिन। अब आपको निकालना कितने हैं, निकालना है आपको 20 आदमी के लिए, कितने आदमी के लिए, 20 आदमी के लिए, तो 20 गुणा 15 था यहाँ पे, और आपको पता है 20 आदमी कम दिनों में करेंगे तो 20 का क्या दिया जाएगा भाग, तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 दिन। तो आना तो 15 दिन ही था क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी वापस में कट जाएगी, तो 15 दिन उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 15 आदमी 20 दिन में काम करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आपको डायरेक्ट जवाब देना है 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन प्राकृत संख्याओं का योग जानने का सूत्र क्या है। ये आपको करवाया हुआ है, एन प्राकृत संख्याओं को जानने के योग का सूत्र क्या होता है, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, तो आपको बी ऑप्शन राइट करना है, ठीक है, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38, तो इसमें मैंने बता दिया ये ऑप्शन राइट था। 38 में यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, कोई समकोण त्रिभुज है इस टाइप का मान लो, ठीक है, एक तो 90 डिग्री हो ही जाएगा और दूसरा कोण मान लिया 35 डिग्री है, कितना डिग्री है 35 डिग्री है, तो क्या करना है आपको, तीसरा कोण क्या होगा। आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, दो कोण ही हो गए 90 और 35, 90 और 35 कितना होता है, 90 और 35 125 हो जाता है, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे कितना जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री दूसरा कोण हो जाएगा। जब भी ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया करो, तो 55 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। एक बार मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स, बार बार में एग्ज़ाम कब है, अरे भाई एग्ज़ाम कब ही हो, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से रखो, हो सकता है एग्ज़ाम जो है आपका 29 तारीख को हो ही जाए, और पूरी पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम 29 तारीख को ही होगा, तो अभी सभी को 29 तारीख को ही एग्ज़ाम मान के चलना है, कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना कि कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा, अगर होगा तो आगे देखी जाएगी, लेकिन अभी पूरी संभावना है 29 को पेपर होगा, तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी हो आप आपकी तैयारी रखो ना, आपको क्या ही मतलब है एग्ज़ाम कब होगा, पहले आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ अच्छे से, ताकि जो है एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर सको अच्छी मेरिट के साथ में। इधर उधर की बातों में ध्यान रखेंगे तो बिना मतलब की टेंशन रहेगी, जो आता है वो और भूल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, यदि एक बोरी में 114 किलोग्राम चावल आते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल के लिए कितनी बोरी की आवश्यकता होगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पता है हम ऐसे मानते हैं कि 114 केजी चावल के लिए कितनी बोरी चाहिए, एक बोरी, ठीक है। एक केजी चावल के लिए कितनी बोरी चाहिएगी, 1/114 बोरी। आपको चावल चाहिए 1026 था ना, 1026 केजी चावल के लिए, तो 1/114 थे, कितने से गुणा कर देंगे, 1026 से गुणा कर देंगे, इनको काट लेंगे तो हमारी बोरियों की संख्या आ जाएगी। काटो एक बार इसको, 2 से काट लो इजीली, 2 5 10, 2 7 14 57 आ गए यहाँ पे, इसको काटेंगे 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, और आगे काट लो 57 1 57, और 57 को 9 से गुणा करते हैं या 7 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 513 आ जाएंगे, यानी 9 बोरियों की आवश्यकता हुई। कितनी बोरियों की, 9 बोरियों की। सीधा पढ़ा नहीं काटना है तो भाग दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी में पर्याप्त टाइम होता है आपके पास पेपर करने को।
सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वे संख्या बताइए। ठीक है, वो संख्या आपको बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो क्या किया करो, पहले अनुपात कितना था, 3:4 था, कितना था, 3:4। ये अनुपात की बात हो रही है तो संख्याएं क्या हो जाएगी, 3x और 4x। ठीक है, संख्या के लिए x लगा दिया करो क्योंकि हमें ये पहले अनुपात दिया है। अब क्या बोल रहा है, दोनों में 5-5 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, 5 और 5 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 4:5, 4/5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इनका वज़्र गुणा करो, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, तो 5 पहले 3x से गुणा होगा तो 5 × 3 = 15x, फिर 5 से गुणा होगा तो 5×5 = 25, बराबर हमारे मारवाड़ी में ऐसे ही पढ़ाते हैं राजस्थान में, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4×16x, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5×20। अब x वाले आपस में सुलझ लो और गणित वाली जो संख्याएं उनको आपस में सुलझा लो। ठीक है, तो 15x में से 16x घटाएंगे, यानी ये चाहे ये इधर ले जाओ चाहे ये इधर ले जाओ, एक ही बात है, तो x बच जाएगा, और ये 25 में से 20 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 5, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान नहीं पूछा, आपको पूछिए वो संख्याएं कितनी है, तो संख्या कितनी थी, 3x और 4x, 3x यानी कि 3×5 = 15, और 4x यानी कि 4×5 = 20। x की जगह 5-5 रख देना, x की जगह क्या रख देना, 5-5। ठीक है, तो 15 और 20 आ गई वो संख्याएं, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, 15 और 20 डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, देखेंगे एक बार, डी ऑप्शन राइट है। आर्मी ने मान लिया, राम 16,000 रुपये में एक टेलीविज़न खरीदता है, यदि उसका मूल्य 5% प्रतिवर्ष घटता है और 3 वर्ष बाद टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। आज टेलीविज़न खरीदा है और क्या बोल रहा है, 5% 3 साल तक वो मूल्य घटता है, 3 साल बाद आपको टेलीविज़न का मूल्य बताना है। देखो आज कितना मूल्य है, 16,000, कितना है, 16,000, अब क्या 5% घटता है, कितना घटता है, 5%, तो कर दो माइनस कर दो 5%, देखो तो 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 100 में से 5 माइनस करो 95, और प्रतिशत है तो बटे में 100, 3 साल तक करना है, इन 3 बार लिखेंगे वही, 5 माइनस कर दिए 100 में से, फिर वही 95/100, ये कर लिया आपने। अब इसको काट लो, 3 0 से 1 2 और 3, 3 0 काट ली, अब किससे काटो, 5 से काट दो, 5 को 95 से काटेंगे 19, और 5 को इससे काटेंगे 5 2 = 10, 5 को इससे दोबारा काटेंगे तो वापस 19 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको काट लो 5 से तो 20 आ जाएगा, इसको वापस 5 से काटेंगे तो 5×20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लें कितना आ गया हमारे पास, इधर 16 बचा था, इधर 19 बचा है, यहाँ 19 बचा है, यहाँ 19 बचा है, और बटे में क्या बचा है, 2×4। ठीक है, इसको काट लेंगे, 4×16, 4×1 = 4, 2 को काट लेंगे, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 19×19×19×2। ठीक है, ये आपको करना है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 19 को 19 से और फिर 19 को 19 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आते हैं 6,659। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से इसको गुणा करवाऊंगे तो कितना आएगा, एक बार देखना, तुम लोग भी कर लो, कहीं गलत नहीं हो जाए, 7 और 3 1, यही आता है क्या, एक बार 2 से गुणा करते हैं तो एक बार चेक करना, ऑप्शन में देखें क्या, ऑप्शन आ गया हमारा ए ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल राइट ही होगा शायद, हाँ बिल्कुल राइट है, तो इनको काटा है, बस कुछ नहीं किया, बस कट कर लिया इनको। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, यदि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसके रुपये 21.50 रुपये की प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च बताओ। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, एक्चुअली कमरे का अगर दिया हुआ होता ना तो ऊंचाई भी दी हुई होती, क्योंकि कमरा जो है वो घराब के आकार का होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या ओनली आपको लंबाई और चौड़ाई दी है, और कमरे में करने का बोला है, क्या करने का बोला है, कमरे के अंदर करने का बोला है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको क्वेश्चन को ऐसे बोलना चाहिए था कि कमरे की एक दीवार पर, या तो एक दीवार पर बोलता, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन किया हुआ है, जो उत्तर आदमी ने माना है वो एक दीवार के ऊपर ही है, बट इतना स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट ने तो दिमाग लगा लिया था एग्ज़ाम के अंदर भी, और उन्होंने एक दीवार के लिए निकाल दिया था। ठीक है, ये एक दीवार इस तरह की होगी, यानी कि एक आयताकार दीवार होगी, और इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरह से क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आपको पता ही है, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई कितनी दे रखी है, 7,
चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4, तो 7 चौके 28, ये क्या आ गया क्षेत्रफल, क्या आया ये दीवार का क्षेत्रफल। अब आपको इतना ये हिसाब दिया है, इस हिसाब से आपको पेंट करवाना है यानी प्लास्टर करवाना है, तो कितना आया 28 आया, 28 को गुणा कर दो, 21 पॉइंट कितना था वो 21.50 या 21.5 एक ही बात है, इस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 602.0, पॉइंट हट जाएगा तो 602 602 रुपये का कितना आएगा 602 रुपये, ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 विद्यार्थियों की कद लंबाई क्रमशः 140, 135, 142, 148 और 140 सेंटीमीटर है तो औसत लंबाई बताओ। देखो जब भी औसत निकालना हो, औसत का सूत्र आपको पता है, औसत का सूत्र क्या होता है बताया हुआ है बहुत बार, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सब का योग कर दो, इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा जल्दी से बताओ, इन सबको जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 695 संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे 5 का, इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा 139, कितना आ जाएगा 139, बिल्कुल सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 583 का 43% परसेंट है मतलब बटे में 100 आ जाएगा, माइनस करना है आपको 401 का कितना परसेंट दिया है, तो कितना की जगह क्या लिख लेंगे एक्स परसेंट है तो बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है, अभी कर लेंगे। कीजिए, एक ध्यान रखना एक बात, बराबर में भी क्या लिखा है 158.46, इसको मत भूलना। चलो अब करो, तो देखो अब करोगे तो पहले यहाँ पे 100 है, इस 100 और 100 को कॉमन लेके दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ये गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 583 को 43 से गुणा कर लो कितना होगा। ठीक है, 583 को 43 से गुणा कर लो, इसको 583 को 43 से गुणा करेंगे कितना आएगा एक बार देखना, 96052 ये आना चाहिए, 25069। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 401, एक बार तुम लोग भी कर लेना, यहाँ पे 158.46 था, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, 100 गुणा होगा ना यहाँ पे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 15,846। अब आपको पहले तो माइनस करना है, यहाँ पे एक्स भी लगा हुआ है, एक्स को मत भूलना, यहाँ पे एक्स भी लगा हुआ है, एक्स को मत भूलना। ठीक है, अब माइनस का 401 एक्स आप यहीं पे रखो, और यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो गई थी 158,46, यानी कि 15,846 हो गई थी, क्योंकि 100 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, पॉइंट हमारा हट चुका है। अब ये जो संख्या ये यहाँ प्लस में है, इधर आगे किस में हो जाएगी माइनस में, एक एक स्टेप में आपको बता रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है माइनस का 401x, ये नीचे वाली संख्या मत समझना। ठीक है, बराबर यहाँ पे आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 9223, यही आ रहा है ना, एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना जल्दीबाजी में गलत नहीं हो जाए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये संख्या आ जाएगी, x के मान आपको याद करना है तो बाकी सबका ये कटा है। ठीक है, यहाँ पे 9 है 223, ठीक है 9223, अब भाग देना है 401 का, कि 401 इधर गुणा में था इधर आके भाग में हो जाएगा, अब इनको आपस में भाग देंगे, इनको आपस में काटना अच्छे से तो कितना आएगा 23 आएगा आपका, कितना आएगा 23, 23 मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है, काट लोगे 401 का भाग दे देना, डायरेक्ट दे देना कोई दिक्कत नहीं है, 23 आ जाएगा। अब देखो डी ऑप्शन आपको मिल रहा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का मान ही तो ज्ञात किया है, बस चीज़ों को इधर से उधर करना था, कुछ नहीं करना था। अब क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, ये बहुत ही ईजी है, देखो ये 1/4 ये 1/4 कितना हो जाता है आपस में जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या है एक आगे, ये आधा और आधा कितना हो जाएगा ये भी एक हो जाएगा, आगे क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये कितना है साथ में 1/2, कितना है साथ में 1/2। अब क्या करना, इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम में हो गए 2, 4, 2, 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, एलसीएम लेना 9/2 आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, मिलाएंगे ए ऑप्शन राइट है।
देखो ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, ये मुझको थोड़ा सही समझ में नहीं आया, तो ईमानदारी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मुझको थोड़ा ये कम समझ बैठा है। तो इसमें जो आर्मी ने राइट आंसर माना है वो माना है आर्मी ने ए, प्रबंधक इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। यदि मैट को 68 लिखा जाता है तो पेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जवाब देंगे, देखो इसके लिए आपको जो है ए बी सी डी जो है क्लियर होनी चाहिए। ए बी सी डी आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए बी सी डी आपको याद नहीं होगी तो आप लिख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो अब देखो एम आपको पता होना चाहिए, एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। मुझे तो याद थी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और आपको याद नहीं हो तो आप रफ कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया, इन सबको जोड़ो कितना होएगा, 34। इसका डबल कर दो, 34 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 68। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 68 आ जाएगा आपके पास। चलो अब देखो आपको ये वाला ज्ञात करना है, सेम ट्रिक लगानी है इसके अंदर। तो पी का वैल्यू कितना रहता है, 16। ए का वैल्यू एक ही रहेगा। टी का वैल्यू कितना रहेगा, टी का वैल्यू 20 रहेगा। इन सबको आपस में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 37। अब 37 का क्या करना है आपको, दुगुना करना है। दुगुना करोगे 37 का कितना आ जाएगा, 74। तो 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि आपने सही किया है। देखेंगे एक बार, आर्मी ने भी सही माना है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ चुका है, ये यहाँ पे एक नंबर दिया है, इसको ग्रेट लिखते हैं। तो यहाँ पे 786 को क्या लिखा जाएगा, देखो 7 को क्या लिखा है, 7 को आर लिखा है, यानी कि इस 7 की जगह क्या आ जाएगा, आर। आगे क्या है, 8। 8 को क्या लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 8 की जगह है ए। आगे क्या है, 6। 6 को क्या लिखा है, टी लिखा है, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा, टी। तो ये रेट आ जाएगा आपके पास, देखो डी ऑप्शन मिल रहा है, वेरी गुड। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर लेंगे। देखो जब छोटी सी सीरीज दी हो तो पहले जोड़ने का ट्राई किया करो। देखो एक में दो जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। एक एक बढ़ा रहे हैं, पहले दो जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब 10 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा, 15। और यही आपका राइट आंसर माना है आर्मी ने, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। काफ़ी ईजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे ये सीरीज़ आपको दी हुई है, ठीक है, आपको इनमें संबंध देखना है क्या है, इस सीरीज़ में क्या रिलेशन है। तो देखो 3 है, 3 के अंदर आप क्या करते हो, क्या संबंध होगा इसमें, देखो 3 के अंदर 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7। अब 4 का दुगुना करो, 4 का दुगुना कितना होता है, 8। 7 में 8 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 8 का दुगुना करो, 8 का दुगुना कितना होता है, 8 दुनी 16, और 15 में 16 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब 31 का दुगुना करो, सॉरी 16 का दुगुना करो, 16 का दुगुना कितना होता है, 32। 16 का दुगुना कितना होता है, 32। अब 31 में 32 क्या कर दो, ऐड कर दो, 31 में 32 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 63। कितना आ जाएगा, 63। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा बताऊँ, देखो सबसे पहले आपने 4 ऐड किया, 4 का दुगुना किया कितना हो गया, 8, ठीक है। 8 आपने ऐड किया तो फिर उसके बाद में 8 का दुगुना 16, 16 ऐड किया, फिर 16 का दुगुना आपने 32 ऐड किया तो कितना आ गया, 63। इसमें डबल करते जाना, ठीक है, डबल डबल करके जोड़ते जाना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम संबंध देख सकते हैं, राइट आंसर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे आया नहीं है पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी ऑप्शन आप राइट मान लो। अब सभी फौजी ईमानदारी से एक बार बताएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है आपके राइट लगे हैं आज के ओरिजिनल पेपर जो हमने किया है उसके अंदर। नेक्स्ट क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी, प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करने में फौजियों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आर्मी की टॉपिक्स भी करवाते हैं हम, तो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या करवाना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने टॉपिक सजेस्ट भी किए हैं, वो धीरे धीरे हम करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।